हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले कैसे पार्ट टाइम जॉब के बारे में, पर्टिकुलर जो आप लोग रिक्वायर मतलब आप ही के डिमांडेड जॉब्स हैं एंड कोई बंदा अप्लाई कर सकता है। एनी वन कैन अप्लाई इफ़ यू आर 18+, आप एक स्टूडेंट हो, आप एक 12th पास हो, आप एक हाउस वाइफ हो, एनी वन कैन अप्लाई। अपने फ्लेक्सिबल टाइम में काम कर सकते हो, जब भी आपकी मर्जी है तभी काम कर सकते हो। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि भाई लाइक यू कैन वर्क फ्रॉम एनी वेयर, घर से बैठे बैठे काम करना है, कहीं जाके काम करना है, फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स हैं एंड वीकली पे आउट है, हर वीक आपका पे आउट होता है, तो आपके लिए इजी हो जाता है भाई कि मतलब पैसे वैसे कमाना इजी हो जाता है। और सारे प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं। एक इंडियन कंपनी है तो आपके लिए कोई इश्यूज नहीं होने वाले हैं एंड आपको डॉलर में पे आउट होगा। इंडियन कंपनी तो है बट आपको डॉलर में पे आउट है, वो सारी चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। आपको रिव्यूज़ भी करके दिखाएंगे भाई रिव्यू क्या है इसका, इंटरनेट पे क्या ये लेजिट है क्या ये नहीं है, वो भी आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली, ताकि आपके मन में वो भरोसा रहे कि भाई आप काम करो तो पैसे मिलेंगे। ठीक है, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करें, कितना तक कमा सकते हो उसके बारे में भी बात करने वाले हैं, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए सब कुछ शॉर्टलिस्ट करना। तो स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यार उससे पहले लाइक करिए, कॉमेंट जरूर करना वीडियो को, काफ़ी अच्छा लगेगा, मोटिवेटेड लगेगा बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल देन ऑल्सो वी आर मेकिंग द वीडियो बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। तो भाई एक लाइक करें, कमेंट जरूर कर सकते हो, 100% हमें अच्छा लगेगा और हम लोग ऐसे वीडियोस लेके आते रहेंगे आपके डिमांडेड वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहां पे देख सकते हो दैट इज अर्न मनी विद इंडियन ट्रांसक्रिप्शन जॉब। ठीक है, वर्क जॉब फ्रॉम होम मतलब घर से बैठे बैठे काम कर सकते हो। इसके रिव्यूज के बारे में भी बात करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ी सी वेबसाइट का ओवरव्यू जरूर ले लो। एक इंडियन वेबसाइट है पर्टिकुलर एंड गो ट्रांसक्रिप्ट इसका नाम है एंड यहां पर आप अपना प्लेस मतलब आपको क्या करना है, आपको अगर एक ट्रांसक्रिप्शन जॉब मतलब ट्रांसक्राइबर की तरह काम करना है, आप डायरेक्टली रिक्वेस्ट फॉर जॉब करके आप कर सकते हो। एंड वीकली पे आउट्स हैं तो आप पेपाल अपना सेटअप कर लो, पेपाल का अकाउंट जरूर बना लेना, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एंड आपकी मंथली अर्निंग, टिपिकल जो मंथली अर्निंग ऑन एन एवरेज वो $245 के आसपास जाती है एंड टॉप जो बहुत अच्छे अच्छे लाइक लोग हैं जो अच्छे अच्छे अर्निंग कर रहे हैं वो 1495 मतलब 1,00,000 से भी ऊपर है वो अर्निंग कर रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो दैट इज अबाउट द प्रोसेस के बारे में, अबाउट द कंपनी के बारे में। कंपनी ऑलरेडी 2006 में स्टार्ट हुई है, 2006 से लेके आज 2022 चल रहा है, आज तक ये कंपनी चल रही है। तो डेफिनेटली ये एक ऐसी कंपनी है जो ट्रस्टेड है, काफी टाइम से सेटअप्ड है, तो लोग इस पे काम कर रहे हैं, लोग भरोसा कर रहे हैं, लोग खुद काम कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो डेफिनेटली। ठीक है, तो इसके रिव्यूज के बारे में देख सकते हैं। दैट इज 4.9 रेटिंग है वैसे इनकी, अबाउट 3100 कस्टमर्स हैं इनके, कस्टमर रिव्यूज वगैरह हैं एंड 100% ह्यूमन पावर्ड कंपनी मतलब लोग हैं पर्टिकुलर जो काम कर रहे हैं, कंप्यूटर नहीं है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैंने सर्च किया गो ट्रांसक्रिप्ट का रिव्यू, तो यहाँ पे ढेर सारे रिव्यूज मैंने खोल लिए हैं जो आपके लिए आपको दिखाने वाला हूँ कि भाई सबसे पहला जो है जो एकदम साफ साफ लिखा हुआ है कि गो ट्रांसक्रिप्ट रिव्यू लेजिट या स्कैम है, इसके बारे में बताओ भाई। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा तो मेरे को पता चला गो ट्रांसक्रिप्ट का जो रिव्यू है पर्टिकुलर वो ये यही साइट है ना, यही साइट हम लोग देख रहे हैं एंड इसके बारे में जो लिखा हुआ है वो इस पर्टिकुलर पोस्ट में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं इसमें लिखा हुआ है कि भाई क्या है कि क्या ये क्या नाम है गो ट्रांसक्रिप्ट वो क्या है, गो ट्रांसक्रिप्ट क्या है, उसके बाद फिर हाउ डज गो ट्रांसक्रिप्ट वर्क, कैसे काम करता है, इस गो ट्रांसक्रिप्ट लेजिट। तो सबसे पहले हम लोग इस पर जाने वाले हैं एंड इसके बारे में देखने वाले हैं दैट इज़ क्या ये है, लाइक ये लेजिट भी है कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में सर्च करेंगे, इस गो ट्रांसक्रिप्ट लेजिट। तो यहाँ पे आई वोंट बीट अबाउट द ब्रश बुश मतलब मैं कुछ ऐसे ही नहीं बोलूँगा, गुड न्यूज़ इज गो ट्रांसक्रिप्ट 100% लेजिट, मतलब ये 100% लेजिट है आपके, उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको पेमेंट वगैरह होगी एंड इट द गुड साइन इज 2005 में 15 साल से ऊपर हो चुका है, 2005 में ये फाउंड हुआ था मतलब बना था ये वेबसाइट एंड आज तक ये चल रहा है तो लेजिट है। ठीक है, एंड यहाँ पे देखो दैट इज देयर फेसबुक पेज ट्विटर सारा कुछ है इनका, तो आप डायरेक्टली इनके फेसबुक पेज ट्विटर अकाउंट सब कुछ चेक कर सकते हो। यहाँ पे गो ट्रांसक्रिप्ट का ये ट्विटर पेज है, अबाउट 4100 फॉलोअर्स हैं, उसके बाद फिर यहाँ पे देखो दैट इज फेसबुक पेज भी है, बहुत अच्छे फॉलोअर्स इस पर भी हैं, 18,000 के ऊपर हैं, तो डेफिनेटली एक लेजिट पेज है इनका, मैंने सब कुछ चेक कर दिया। दीज आर रिकॉर्ड नॉट रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स बाई द मीन्स बट यू कैन टिपिकली अंडरस्टैंड दैट लाइक आपकी आपको मतलब कोई स्कैम वगैरह नहीं हो रहा है एंड गो ट्रांसक्रिप्ट का मोबाइल नंबर वगैरह भी है जिसपे आप डायरेक्टली चैट करके पता कर सकते हो कि गो ट्रांसक्रिप्ट लेजिट है कि नहीं। गुड न्यूज इज दैट गो ट्रांसक्रिप्ट इज लेजिट। ठीक है, तो आप इस पर काम कर सकते हो बिना कोई चिंता किए। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे बारे में लिखा हुआ है कि भाई लो पे पॉजिटिव साइड क्या है, ऑन द पॉजिटिव साइड यहाँ पे देखो दैट इज पॉजिटिव कमेंट इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम टू मतलब आपको काफ़ी टाइम मिलता है, आपको एक टास्क अगर मिलता है तो काफ़ी टाइम मिलता है उसको कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद फिर द एबिलिटी टू चूज योर प्रोजेक्ट मतलब आप अपने हिसाब से आप अपना प्रोजेक्ट डू कर सकते हो। ट्रांसक्राइबिंग नॉन इंग्लिश एक्सेंट कैन ऑल्सो भी डिफिकल्ट मतलब नॉन इंग्लिश जो एक्सेंट होगा वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, डिफिकल्टीज जो पुअर क्वालिटी होती है ऑडियो वगैरह
वगैरह की वो थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी होगी, बट ये चैलेंजेस हैं जॉब के, ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा। रिव्यूअर्स कमेंट क्या है, एडिटर बींग हेल्पफुल विद करेक्शंस, उसके बाद पे इज फेयर, पे फेयर है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं है, बहुत ज़्यादा लो नहीं है, फेयर है, ठीक है, नॉर्मल है। उसके बाद दूसरी वेबसाइट चेक करते हैं, इसमें भी 4.5 की रेटिंग है, एक्सीलेंट रेटिंग दी हुई है, आउटस्टैंडिंग, सारी रेटिंग्स अच्छी दी हुई हैं, अनबीटेबल प्राइस है, सारा कुछ अफोर्डेबल है, अच्छा है, वो सारे के बारे में लिखा हुआ है। सिमिलरली यहाँ पे ग्लास डोर भी खोल लिया है गो ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, वेरी गुड साइट फॉर ऑनलाइन अर्निंग, यू कैन अर्न एज अ स्टूडेंट, आप काम कर सकते हो, कोई भी इशूज़ नहीं होने वाले हैं, आप अपना खाली टाइम इस पर स्पेयर कर सकते हो, अच्छी अर्निंग हो जाएगी, बेस्ट वेबसाइट है ट्रांसक्रिप्शन के लिए, उसके बारे में लिखा हुआ, क्वाइट गुड पे है। उसके बाद फिर द पे शुड बी इंक्रीज्ड, मतलब थोड़ा इंक्रीज होना चाहिए, बट ठीक है, काम चल जा रहा है। उसके बाद नीड जॉब, आपको मतलब फास्ट टाइपिंग स्किल्स वगैरह होनी चाहिए, और फिर यहाँ पे वर्किंग एज अ ट्रांसक्राइबर, 3-star रेटिंग, 3-star, 3-star, 5-star, मतलब अच्छी है, रेटिंग्स वगैरह सही है, एज़ कम्पेयर्ड टू डिफरेंट डिफरेंट साइज काफ़ी अच्छी है इसकी रेटिंग। एंड सिमिलरली यहाँ पे आपको फ्री 60-minute ऑटोमेटेड ट्रांसक्रिप्शन आपको मिलती है, एंड यहाँ पे गो ट्रांसक्रिप्ट का वाले में लिखा हुआ है अबाउट द गो ट्रांसक्रिप्ट, यहाँ पे प्रॉपर सब कुछ लिखा हुआ है, एंड यहाँ पे अर्निंग्स के बारे में देखने वाले कि पे कैसा है, ठीक है। तो अलग अलग वेबसाइट्स अलग अलग चीज़ें आपको बता रहा हूँ, तो भाई लाइक वाइक कर देना, सपोर्ट कर देना डेफिनेटली, ताकि हम लोग ऐसी चीज़ें लाते रहें, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट यू ट्रूली बीन वेटिंग फॉर, कि ट्रांसक्रिप्ट का आप कितना कमा सकते हो। तो पर मिनट यू कैन अर्न अबाउट $0.60, एंड डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट, ऑन डिपेंड्स ऑन द ऑडियो, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क यू आर डूइंग, इन सारी चीज़ों पर आप डिपेंड करता है आपका रेट क्या है, एंड डिपेंडिंग ऑन हाउ फास्ट यू ट्रांसक्राइब, 99% अगर एक्यूरेसी है तो काफ़ी अच्छा कमा सकते हो। गो ट्रांसक्रिप्ट आपको पे कर सकता है $1,215 वीकली बेसिस पे, ये पर्टिकुलर आपके आते रहेंगे डेफिनेटली, तो काफ़ी अच्छी अर्निंग है डेफिनेटली, $150 आप एवरेज अर्निंग आपकी $150 पर मंथ है, तो नॉर्मल आपके 7-8 हज़ार रुपये, 10 हज़ार रुपये आ जाते हैं अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हो। अगर आप एक फुल टाइम मतलब प्रॉपर काम कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, तो आप $1,200-1,300 आराम से कमा सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है पर्टिकुलर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे देखो गो ट्रांसक्रिप्ट के बारे में लिखा हुआ है कि भाई गो ट्रांसक्रिप्ट वेबसाइट 4.9 रेटिंग दी हुई है, तो ये सारी चीज़ें मतलब फ्रोप्स भी यहाँ पे फ्रोप्स में, उसके बाद फिर द न्यूयॉर्क टाइम्स में, टेक राडार में, काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स पे ये पर्टिकुलर वो हुई हैं। तो मेरे को रिव्यू से समझ में आ रहा है कि भाई ये पर्टिकुलर वेबसाइट है जो लेजिट, हम इस पे काम कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कंपनी के बारे में देख लिया, अकम्प्लिशमेंट देख ली, तो हम लोग अप्लाई करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर जॉब पे टाइप करेंगे। रिक्वेस्ट फॉर जॉब पे टाइप करने के लिए आपको यहाँ पे सारी चीज़ें भरनी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना नाम भरूंगा, दैट इज़ माई नेम, उसके बाद फिर यहाँ पे कंपनी नेम, ठीक है, यहाँ पे कंपनी नेम के बारे में डालूंगा, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, हाँ आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वन, कंपनी नेम मैं अपना डाल दूंगा, दैट इज़ स्टूडेंट मैं डाल दूंगा, आई एम अ स्टूडेंट, तो मैंने स्टूडेंट डाल दिया। मेरी मेल आईडी वॉट एवर इज़ माई मेल आईडी, वो मेरे को यहाँ भरनी पड़ेंगी, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, वो सारी चीज़ मेरे को भरनी पड़ेंगी। उसके बाद फिर मेरा फ़ोन नंबर, ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन नंबर मैंने डाल दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मेरा मैसेज, आई वॉन्ट टू वर्क एज अ ट्रांसक्राइबर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करना, क्या नाम है, आप क्या करना कि what you can do, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, दैट इज़ आप यहाँ पे सारा कुछ लिख देना, वही आपका एक्सपीरियंस है कि कुछ आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ आप भर सकते हो, एंड सेंड मैसेज पर टैप कर देना, दैट इज़ मैसेज आपका सेंड हो चुका है इनके पास। एंड आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा टॉपिक, आपको पर्टिकुलर क्या नाम है एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट पे टैप करने के बाद वो सारी चीज़ हो चुकी है, बहुत ही ईजी फॉर्म होने वाला है, एंड आपको डायरेक्टली वेट करना पड़ेगा, कुछ बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, वेट करना है ताकि उनके जो रेस्पॉन्स है, जो HR टीम है या जो भी सिलेक्शन वाली टीम है, वो आपको रेस्पॉन्स करे। तो जैसे ही आप वहाँ पे अप्लाई करते हो, मतलब वो मैसेज सेंड मैसेज पे टैप करते हो, तो यहाँ पे थैंक्स फॉर रीचिंग आउट का मेल आ जाता है, एंड जो भी आपकी क्वेरी रहती है, जैसे मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन के लिए किया था, तो आपके सामने ये वाला मेल आ जाता है, दैट इज़ फॉर द एप्लीकेशन, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ है, दैट इज़ सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके पास मतलब ज़्यादा अकाउंट्स बनाने का वो नहीं है भाई, ज़्यादा अकाउंट्स मत बनाने लगना, रिजेक्शन हो सकती है। उसके बाद फिर आपको क्या नाम है क्या करना है, सबसे पहले रजिस्टर पर टैप करना, रजिस्टर पर टैप करने के बाद आपके सामने ये वाला पेज खुल जाता है, जहाँ पे आपको प्रॉपर रजिस्टर करना पड़ेगा फॉर अकाउंट, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालूंगा, अपना लास्ट नेम डालूंगा, ठीक है, ऐसे करके अपन को डालना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम लोग नहीं डालेंगे तो मतलब वहाँ पे हम लोग को ऐसा लगता है कि मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बट उसके आगे भी प्रोसेस है, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना ये डाल दिया, पासवर्ड वगैरह डाल दिया, एंड यहाँ पे चूज़ योर इंडस्ट्री, आप एजुकेशन से हो, किससे हो, वो सारी चीज़, और अदर देन दिस यहाँ पे देखो, दैट इज़ अगर आप गो ट्रांसक्रिप्ट अकाउंट के लिए वो कर रहे हो, तो यहाँ पे अप्लाई पे टैप कर सकते हो। अप्लाई पे टैप करने के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन जॉब्स अवेलेबल वर्ल्ड वाइड पे लिखा रहेगा,
रहेगा एंड आपको यहाँ पे लिखा रहेगा कि आप कितना पे कर रहे हैं वो लोग, क्या चीज़ है, एवरेज अर्निंग वगैरह क्या है, टोटल अर्निंग कितनी हो सकती है पर टाइम, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देख सकते हो, अदर देन दिस अप्लाई नाउ पर टैप करोगे तो यहाँ पे इंग्लिश या कोई भी जो भी आपको लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो टैप करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे अपना वो डालना है, दैट इज़ योर मेल आईडी। अल्टरनेटिवली यू कैन क्लिक ऑन और लॉग इन विद दिस वन एंड यू कैन चूज़ योर अकाउंट। अपना गूगल अकाउंट मैंने चूज आउट कर लिया, ईजी होता है। तो मैं यहाँ पे मेरा लॉग इन हो गया, ठीक है। आई हैव बीन लॉग इन, मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ। अब मेरे को क्या करना है भाई, कि मेरे को सर्च आउट करना है न्यू ऑर्डर क्या है, ऑर्डर नाउ ट्रांसक्रिप्शन कैप्शन, ठीक है, ये सारी चीज़ मैं देख सकता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे देखो ऑर्डर ट्रांसक्रिप्शन में गया मैं, तो यहाँ पे ऐड फाइल पेमेंट कंप्लीट ऑर्डर ये सारी चीज़ें लिख हुई है। यू कैन अपलोड योर फाइल्स फ्रॉम हेयर, यू कैन पेस्ट योर यूआरएल्स फ्रॉम हेयर एंड आपको काम यहीं पे मिलेगा। दैट इज़ व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट, कैसे आप क्या कर सकना है क्या नहीं करना है, आपको पर्टिकुलर करना कैसे है, वो सारी चीज़ के बारे में। तो ट्रांसक्रिप्शन पे टैप करोगे, क्रिएट एन ऑर्डर, यू कैन क्रिएट योर ऑर्डर। उसके बाद फिर यहाँ पे सारी चीज़ें करने को मिल जाएगा। अब भाई देखो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एप्लीकेशन कैसे करना है, काम कैसे करना है, बिकॉज थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग वेबसाइट है, तो आप क्या करना, वॉच, यू कैन वॉच दिस वीडियो ऑल्सो एंड आप डायरेक्टली इस पर अप्लाई नाउ पर टैप करोगे, इंग्लिश पर टैप करोगे तो आपके सामने टेस्ट आ जाता है। दैट इज़ पर्टिकुलरली आपके सामने गाइडलाइंस वगैरह रहेंगे, तो आपको गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ेंगी एंड दीज आर कॉन्फिडेंशियल थिंग्स, तो मैं ये दिखाने नहीं वाला हूँ। अदरवाइज वो क्या हो सकता है कि भाई इस वीडियो को डाउन किया जा सकता है, दैट्स वाई एम नॉट गोइंग टू शो एवरीथिंग। तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, उसके बाद फिर फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, नॉर्मल क्या कहते हैं, नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ग्रामर से रिलेटेड वर्ड्स हो गए, वो सारी चीज़ आप क्लियर कर लोगे। जैसे आई मेट जेन इन क्या नाम है वो, दैट इज योर दिस, तो जे शुड बी कैपिटल, ऐसे करके, जैसे नाउन है, नेम है नाउन है, तो ऐसे करके ग्रामर के रूल्स कुछ हो गए नॉर्मल, वो सारी चीज़ यूज करके जस्ट आपको सबमिट पर टैप करना है, कन्फर्म करना है, कन्फर्म पर टैप करने के बाद वो हो जाएगा, वेरी वेरी ईजी प्रोसेस। तो यही सारी चीज़ें। सिमिलरली आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हो, मेरी वेबसाइट पर काफ़ी ढेर सारे पार्ट टाइम जॉब्स हैं, फुल टाइम जॉब्स हैं, फ्री रिसोर्सेज जो आपके हेल्प कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं जो हम लोग अपलोड करते रहते अपने यूट्यूब चैनल पर, सिमिलरली हम लोग वेबसाइट पर भी पोस्ट करते रहते जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। सो दिस वाज ऑल बड़ा वीडियो, डेफिनेटली चेकआउट करना वेबसाइट को, काफ़ी चीज़ हम लोग अपलोड करते हैं, हमारा व्लॉग चैनल का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डेफिनेटली उसको फॉलो कर लेना, काफ़ी मस्त मस्त चीज़ें आती रहती हैं, अच्छे अच्छे वीडियोज़ आते रहते हैं, इंट्रैक्टिव, मज़ेदार। एज एम सेटल इन बैंगलोर, एज एम डेटा इंजीनियर इन बैंगलोर, आई कीप शेयरिंग माई एक्सपीरियंसेस, चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ डेफिनेटली, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो, डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। तो ये सारी चीज़ें थी, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, मिलते हैं।